हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आप जो ये क्राफ्ट देख रहे हैं, आज हम इसी को बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये डब्बा लिया है, तो इस डब्बे के प्लास्टिक को हटा दूंगी और मैंने कुछ इस तरह के ढक्कन का यूज किया है। सबसे पहले हम इसे ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेंगे। इसे चिपकाने के बाद हम इस पे फॉइल पेपर चिपकाएंगे। तो मैंने ग्लू गन से इसे चिपका लिया है। आप फॉइल पेपर की जगह न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, नीचे वाला जो डब्बा है, आप उसके जगह डिस्पोजल वाली ग्लास का यूज कर सकते हैं, और उसके ऊपर घर में पड़े बेकार से कोई भी ढक्कन का यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने फॉइल पेपर चिपकाया है, तो आप उसकी जगह न्यूज़पेपर भी चिपका सकते हैं। इस तरह से इसे शेप देने के बाद हम पूरे में फेविकॉल लगाएंगे, और फेविकॉल लगाने के बाद हम इस पे बॉल पुट्टी चिपकाएंगे। तो बॉल पुट्टी का डो मैंने पहले से ही तैयार रखा था, तो बॉल पुट्टी में आप थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसका डो तैयार कर ले, और किसी भी प्लास्टिक शीट पे आप थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छी तरह से बेल ले। उसके बाद आप इसे इस पे चिपका दें। ये आसानी से इस पे चिपक जाएगा। चिपकने के बाद आप इसे थोड़ा सा पानी से स्मूथ कर ले और इसे सूखने के लिए रख दे। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा, तो हम इस पे डिटेलिंग करेंगे। तो देखिए, ये अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पे फिर से अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे, और अब दोबारा से इस पे बॉल पुट्टी चिपका के हम आगे की डिटेलिंग करेंगे। हमने फर्स्ट टाइम बॉल पुट्टी को चिपकाने के लिए यहाँ पे फेविकॉल का यूज किया था, लेकिन अब हम बॉल पुट्टी को सिर्फ पानी की हेल्प से ही चिपकाएंगे। आप चाहें तो फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं, या सिर्फ पानी की हेल्प से ही इसे चिपका सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो इस क्राफ्ट में डिटेलिंग की है, मैंने उसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आपका भी क्राफ्ट बहुत ही आसानी से बन जाएगा, और उसे बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप वीडियो विदाउट स्किप किए हुए देखिए और इस स्टेप को फॉलो करें। देखिए, बॉल पुट्टी से क्राफ्ट बनाने में जो हमारा टाइम है, थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आप बॉल पुट्टी से अगर क्राफ्ट बनाते हैं, तो बस थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें। बॉल पुट्टी से हम जो भी क्राफ्ट बनाते हैं, तो उसमें जब हमारा फर्स्ट लेयर सूख जाता है, तभी हम दूसरे लेयर पर काम करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, पर जो बॉल पुट्टी से बना हुआ क्राफ्ट होता है, वो काफ़ी सस्ता होता है, काफ़ी बजट में होता है। तो हम बहुत ही कम खर्चे में सुंदर सुंदर क्राफ्ट बना सकते हैं, और अपने अंदर का हुनर बाहर ला सकते हैं। तो आप भी बॉल पुट्टी से क्राफ्ट जरूर बनाएं। फ्रेंड्स, मैंने इस क्राफ्ट में जो भी टूल्स और कलर यूज किए हैं, मैं सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अगर उसे परचेज करना चाहते हैं, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि हमारा क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है और हमने उसी डब्बे, ढक्कन और थोड़ी सी बॉल पुट्टी से ये क्राफ्ट बनाया है। तो आपको ये क्राफ्ट कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।